नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IVF के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, IVF की शुरुआत होती है आपकी ओवेरियन स्टिमुलेशन से। उसके लिए आपको पीरियड के सेकेंड डे से ही इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसकी साइट्स पर बहुत ज़्यादा सोरनेस या फिर ब्रूजेस हो जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शंस आपको मल्टीपल दिए जाते हैं तो वो स्टमक पर जहाँ लगते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ब्रूजेस होना कॉमन बात है। दूसरा, ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं लाइक कि गोनाडोट्रोपिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और बाद में एग रप्चर करने के लिए HCG इंजेक्शंस, इन इंजेक्शंस के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो IVF साइकिल ख़त्म होने के बाद भी आपको झेलने पड़ते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स में से कुछ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे कि माइल्ड एब्डोमिनल पेन जो कंटिन्यूसली 6 से 7 महीने तक बना रहता है, हॉट फ्लैशेस। बहुत सारी फीमेल्स ऐसा कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड्स के दौरान या फिर बाकी समय में भी, स्पेशली इंटरकोर्स के समय पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन वेजाइना में रहती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय पे बहुत ही ज़्यादा हॉट ब्लड जैसी फीलिंग आती है। पेल्विक इन्फेक्शंस जो कि सालों तक बने रहते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो IVF के बाद यीस्ट इन्फेक्शन उनका किसी भी मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो ऐसी समस्याएं जीवन भर के लिए घर कर जाती हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग होना, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि आपकी ब्रेस्ट बहुत हैवी फील होना और उसमें पेन होना, ये सब उन हॉर्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो IVF साइकिल के दौरान आप फील करते हैं, बट इनके हिडन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसमें कि कैंसर जैसी समस्या आप देख सकते हैं और ये लेटर स्टेजेस में देखने को मिलती है। तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो पहले IVF करवाया था उसमें जो इंजेक्शंस दिए गए थे उसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस, IVF के दौरान जो मनी दिया जाता है वो कॉस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से 2.5 लाख, और 9 महीने तक जो इंजेक्शंस और हार्मोन्स आपको दिए जाते हैं क्योंकि वो बेबी टोटली केमिकल बेबी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स आपको पूरे 9 महीने दिए जाते हैं, तो ये कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अगर आप डोनर के लिए जा रहे हैं तो यही कॉस्ट 3 से 3.5 लाख तक जाती है। दोस्तों, IVF की सक्सेस की बात करते हैं तो इसकी एक जनरल सक्सेस का एवरेज अगर निकालें तो वो 25 से 30% तक है, जो एज ब्रैकेट्स के साथ वेरी करता है। और अगर यही IVF आप किसी अननोन इनफर्टिलिटी की वजह से ना कराकर कुछ इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज की वजह से करा रहे हैं, जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर आपके ओवेरियन स्टिमुलेशन ठीक से ना होना, FSH हार्मोन या LH हार्मोन का ज़्यादा होना, या अदर इश्यूज जैसे कि फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री रहना, यूट्रस की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा ना होना, ऐसे रीजंस के साथ अगर IVF होता है तो ये सक्सेस रिड्यूस हो जाती है 15 से 20% तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी या फिर मल्टीपल बर्थ्स की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के। तो अगर आपने मल्टीपल प्रेगनेंसीज कंसीव किया है बिकॉज ऑफ IVF, तो बच्चे नर्सरी में ज़्यादा समय तक रहते हैं क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी प्री मेच्योर हो सकती है या फिर बच्चों का वेट लो बर्थ हो सकता है। अगर आप रिडक्शन पे जाते हैं तो बहुत बार हमने ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने एक बच्चा रिग्रेस कराने की जगह पर अपने 2 या 3 जो भी बच्चे थे वो सभी के सभी खो दिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ओल्ड एज फैक्टर्स में आप IVF करवा रहे हैं तो उसके रिस्क फैक्टर्स और भी बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्यों गिनवा रही हूँ। एज अ ह्यूमन, एज अ फीमेल, मेरी ये ड्यूटी बनती है आपको और समाज को बताना कि IVF आपका बेस्ट ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। IVF हमारे मेडिकल साइंस में आया था उन लोगों के लिए जिनको कोई और आपकी पैथी या किसी और वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा था और ऐसे रीजंस थे जो नेचुरल कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन आज अगर आपको 6 महीना साल आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और नहीं कंसीव हो रहा है तो डायरेक्टली IVF पे जाने का हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो पेशेंस लेवल है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है और हमें रिकमेंड भी यही किया जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर ओवेरियन स्टिमुलेशन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं, PCOD है, ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर अदर इश्यूज आ रहे हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है, तो आपको IVF कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदा में इन सभी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट मैक्सिमम 2 to 3 months में हो जाता है और उसके बाद आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके 2 से 3 IVF फेल हो चुके थे, उन्होंने हमारे साथ फर्स्ट टाइम कंसीव किया और उसके बाद जब नेक्स्ट 3 to 4 years के बाद भी प्रेगनेंसी की तो भी वो एकदम हेल्दी बेबीज इस दुनिया में आए हैं और उन्हें दोबारा भी कोई इशू नहीं हुआ है। तो एज पर आयुर्वेदा अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी अवयव यानी कि आपका ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं तो आपको किसी IVF की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं।